बनते सारे काम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिरडी के साई कलयुग में तेरी शान निराली है, तेरी शान निराली है, तेरी शान निराली है। तेरी भक्ति साईनाथ जी सुख बरसाने वाली है, सुख बरसाने वाली है, सुख बरसाने वाली है। तेरे भक्त जनों की बाबा, तेरे भक्त जनों की बाबा, गुजरे सुबह शाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित अध्याय 12। सद्गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव। रामनवमी के दिन उर्स, चंदन समारोह, रामनवमी उत्सव का प्रबंध। सद्गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव। ग्रंथ लेखक हेमांड पन्ने ने अपने मूल ग्रंथ में सद्गुरु के कर स्पर्श के प्रभाव का वर्णन बड़े ही भावात्मक ढंग से किया है। वे लिखते हैं कि सद्गुरु इस जीवन रूपी नौका के खेवनहार हैं, वही इस संसार सागर से उनकी नौका को पार लगाएंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें जैसी अनुभूति हुई, उसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि जब सद्गुरु का नाम लिया तो उन्हें सद्गुरु श्री साईं बाबा का स्मरण हो आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे उनके समक्ष खड़े हुए हैं और मस्तक पर उदी लगा रहे हैं, वे अपना हाथ उनके मस्तक पर रख रहे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर वे आनंद सागर में गोते लगाने लगे, नेत्रों से प्रेमपूर्ण अश्रुधारा बहने लगी। वे लिखते हैं कि सद्गुरु के कर स्पर्श का ऐसा प्रभाव है कि जो सूक्ष्म शरीर संसार को भस्म कर देने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं हो पाता, वही सूक्ष्म शरीर सद्गुरु के कर स्पर्श से पलमात्र में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त स्थिर नहीं हो पाता, वही चित्त सद्गुरु के कर स्पर्श मात्र से ही स्थिर हो जाता है। वह कहते हैं कि श्री साईं बाबा के मनोहरी स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भाववेश के कारण गला रून जाता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, और जब हृदय भावपूर्ण हो जाता है तो स्वयं भाव की जागृति होने से आत्मा की अनुभूति होने लगती है और आनंद आने लगता है। मैं और तू का भाव नष्ट हो जाता है और सब कुछ ब्रह्ममय लगने लगता है। हेमांडपद कहते हैं कि जब वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो तत्क्षण ही सद्गुरु का स्मरण हो आता है। उस समय श्री साई बाबा राम अथवा कृष्ण के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और अपने आप ही अपनी जीवन गाथा उन्हें सुनाने लगते हैं। वे लिखते हैं कि जब वे हेमांड पंत किसी से कोई बात कह रहे होते हैं तब श्री साई बाबा की कथाओं का स्मरण करते हैं ताकि उन बातों का ठीक अर्थ बात सुनने वाले को समझा सकें। हेमांड पंत कहते हैं कि जब वे कुछ भी रचना नहीं कर पाते तब स्वयं श्री साई बाबा उन्हें प्रेरित कर लिखवाते हैं और फिर उसका समापन ही नहीं हो पाता। जब भक्तों में अहम भाव बढ़ जाता है तब श्री साई बाबा उन्हें संबल देकर उनका अहंकार दूर कर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करवा देते हैं और उन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर असीम सुख पाने का अधिकारी बना देते हैं। जो भक्त श्री साई बाबा को नमस्कार करके अनन्य भाव से उनके शरणागत हो जाते हैं, उन्हें फिर किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता ही नहीं रहती। उन्हें चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के श्लोक 66 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मुझ परमात्मा की शरण में आ जा, मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यथा सर्वधर्मान्य परित्यज्य मोमेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
परमात्मा प्राप्ति के चार मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग व भक्ति। इन चारों से भक्ति मार्ग कांटों भरा है, गड्ढों व खाइयों से भरा है, लेकिन यदि सद्गुरु पर अटूट श्रद्धा करके गड्ढों व खाइयों से बचते हुए गुरु के चरण चिन्हों पर चलकर इस मार्ग पर आगे बढ़कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। श्री साईं बाबा ने दृढ़ता से कहा है कि ब्रह्मा की स्वयं श्री साईं बाबा की विश्व की उत्पत्ति, रक्षा व लय की शक्तियाँ अलग अलग होकर भी एक है। ग्रंथ रचयिताओं ने इसे बतलाया भी है। भक्तों के कल्याण के लिए श्री साईं बाबा ने कहा है कि मेरे भक्तों के घरों में अन्न व वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है और जो हृदय से मेरी उपासना करते हैं, उनकी मैं सदा चिंता करता रहता हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि भोजन व वस्त्र की तुम चिंता मत करो, जो कुछ मांगना चाहते हो वह परमात्मा से मांगो। संसार से मिलने वाले मान सम्मान उपाधियों को त्याग कर परमात्मा कृपा व अभयदान की प्राप्ति करो, इन्हीं से सम्मानित हो। संसार के कुचक्रों में मत पड़ो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। शारीरिक इंद्रियों व मन को परमात्मा चिंतन में लगाओ। संसार के पदार्थों में मत रमो, सदैव मेरा ही चिंतन करो। मेरा चिंतन करते रहने से तुम संसारिक वैभव संपदा की ओर अनमुख नहीं होगे। मेरा चिंतन करने से मन शांत, स्थिर व निर्भय हो जाएगा। जब मन ऐसी स्थिति में आ जाए, तब समझो कि मन सत्संगति में है। यदि चित्त को स्थिर नहीं किया गया तो फिर उसे एकाग्र करना मुश्किल है। रामनवमी के दिन उर्स, शिरडी में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनमें रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस संदर्भ में हिमांड पंत ने श्री साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 1997 पर प्रकाशित विवरण देते हुए कहा है कि गोपाल राव गुण कोपरगांव में इंस्पेक्टर थे और बाबा के परम भक्त भी थे। उनके तीन पत्नियां भी थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। बाद में श्री साईं बाबा की कृपा प्रसाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी 1897 में उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति की खुशी में शिरडी में उन्हें कोई मेला या उर्स अवश्य भरवाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने शिरडी में रहने वाले श्री साईं बाबा के अन्य भक्तों तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल व माधव राव आदि से संपर्क कर उन्हें अपना विचार बतलाया। सभी को ये विचार पसंद आया। सौभाग्य से उन्हें श्री साईं बाबा की अनुमति व आश्वासन भी मिल गया, लेकिन उर्स भरवाने के लिए सरकार से अनुमति लेना भी आवश्यक था। अतः एक प्रार्थना पत्र जिलाधीश को भेजा गया, लेकिन ग्राम पटवारी ने वो आपत्ति कर दी, इसलिए उर्स की अनुमति नहीं मिल सकी। अब चूंकि श्री साईं बाबा की अनुमति पूर्व से में ही मिल चुकी थी, अतः एक बार फिर प्रयास किया गया। इस बार सरकारी स्वीकृति भी मिल गई। इस प्रकार श्री साईं बाबा की आज्ञा से रामनवमी वाले दिन उर्स भरने का निश्चय हुआ। रामनवमी के दिन उर्स भरना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। यह उद्देश्य सफल भी रहा। सरकारी अनुमति की बाधा तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब बाधा जल के अभाव की उपस्थित हो गई। क्योंकि शिरडी छोटा सा गांव था, वहां इतनी भीड़ के लिए जल कहां से आता। फिर शिरडी में जल का अभाव शुरू से ही रहता था। वहां केवल दो कुएं थे, जिनमें से एक कुआं तो सूख चुका था और दूसरे कुएं का जल खारा था। परंतु श्री साईं बाबा ने उस कुएं में पुष्प डालकर उसका जल मीठा कर दिया। आखिर कुएं का जल कितने लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता था। अतः तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का बंदोबस्त किया। इस अवसर पर लकड़ियों व बांसों की काम चलाऊ कच्ची दुकानें बनाई गई। कुश्तियां भी आयोजित की गई। गोपाल राव गुण के एक मित्र दानू अन्ना कासार, जो अहमदनगर में रहा करते थे, वे भी निसंतान थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए गोपाल राव ने उनसे एक ध्वज देने को कहा।
एक अन्य ध्वज बाद में जागीरदार नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। दोनों ध्वज समारोह पूर्वक गांव में से होकर निकाले गए और मस्जिद तक पहुंचाए गए। उस मस्जिद को श्री साईं बाबा द्वारका माई कहा करते थे। दोनों ध्वज मस्जिद के दोनों कोनों पर फहरा दिए गए। यह परंपरा आज भी यथावस्त चलती रही है। चंदन समारोह। इस उर्स मेले में चंदन समारोह भी प्रारंभ किया गया। यह विचार श्री साईं बाबा के एक मुस्लिम भक्त अमीर शक्कर दलाल का था, जो कोरहल के रहने वाले थे। सामान्यतः चंदन समारोह मुस्लिम फकीरों के सम्मान में किया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में चंदन घिसकर काफ़ी मात्रा में चंदन से बनी धूप थालियों में भरकर लोबान जलाई जाती है। फिर जुलूस निकालते हुए उसका समापन मस्जिद में जाकर होता है। थालियों में भरे चंदन व धूप को मस्जिद की दीवारों पर नीम के पेड़ पर डाला जाता है। इस उत्सव का पूरा प्रबंध शुरू के 3 वर्षों तक अमीर शक्कर ने ही किया। उनके बाद उनकी पत्नी ने इसका प्रबंध किया। तब से आज तक भी चंदन समारोह पूर्वत मनाया जाता है। इसमें हिंदू ध्वज देते हैं व मुस्लिम चंदन का जुलूस निकालते हैं। रामनवमी उत्सव का प्रबंध। श्री साईं भक्तों के लिए रामनवमी का दिन विशेष महत्व का है। वे इसे पवित्र दिन मानते हैं। इस उत्सव के लिए स्वयं सेवक आगे बढ़कर मेले का प्रबंध कार्य संभालते हैं थे। बाहर के कार्य तात्या पाटिल संभालते थे, तो भीतर के कार्य बाबा की अनन्य भक्त राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर राधा कृष्ण माई के निवास पर अतिथियों का तांता लगा रहता था। उन्हें सबकी जरूरतों का ध्यान भी रखना पड़ता था। इसके अतिरिक्त मेले के लिए आवश्यक वस्तुओं का बंदोबस्त भी उन्हें ही करना पड़ता था। राधा कृष्ण माई मस्जिद की सफाई का कार्य स्वेच्छा से किया करती थी। वही मस्जिद को पोतती थी। कारण कि निरंतर धुनी जलती रहने के कारण मस्जिद का आंगन व दीवारें काली पड़ जाया करती थी। सफाई का कार्य वे रात्रि में करती थी, जब बाबा विश्राम करने चावड़ी चले जाया करते थे। उस समय वे धुनी व सारा सामान बाहर निकाल देती थी और सफाई होने पर धुनी व सारा सामान यथावत रख देती थी। बाबा को सबसे प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना लगता था। इस कार्य हेतु विशाल भोज का आयोजन किया जाता था। यह कार्य मेले का ही एक अंग था। इस भोज में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। उपरोक्त सारा कार्य राधा कृष्ण माई के आवास पर ही संपन्न होता था। इस कार्य में प्रतिष्ठित व धनी भक्त भरपूर आर्थिक मदद किया करते थे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। अब कल हम अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे।